नमस्कार, NBCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। अब डालते हैं नजर खबरों पर। बुलंदशहर आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष जनाब हाजी शौकत अली साहब का खुर्जा और मामन पर फूल मालाएं पहनाकर किया गया जोरदार स्वागत। AIMM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने किया पार्टी कार्यालय का उद्घाटन। इस मौके पर कई अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने AIMM पार्टी ज्वाइन की। हाजी शौकत अली ने असदुद्दीन ओवैसी की विचारधारा से जनता को अवगत कराया। शाम को भोड़ चौराहे के समीप कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के नेताओं ने शिरकत कर अपनी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी दिलशाद अहमद के प्रचार प्रसार में जुटने की अपील की। यूपी के कोने कोने से आए हुए मजलिस के मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, तमाम कार्यकर्ता, उन सब का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और आज से लगभग 5-7 दिन पहले मैं आप लोगों से ये कह के गया था कि आप लोग बुलंदशहर से इतनी जनता नहीं निकाल पाओगे जितनी जनता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आपके बुलंदशहर के अंदर रहेगी। और आपसे मैं ये वादा करता हूँ, इंशाल्लाह अभी मुझे आप लोगों का जज्बा नहीं दिखाई दे रहा, आज भी मुझे ये लग रहा है कि शायद आपके इस बुलंदशहर के अंदर आपके लोगों से ज्यादा मजलिस के लोग यहाँ पे बैठे हैं। और मजलिस के लोगों ने ये बिल्कुल अहद कर लिया है कि इंशाल्लाह हम दिलशाद भाई को जिता कर रहेंगे। बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट।